हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ हॉरर पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड। हमारी आज की कहानी का नाम है डॉक्टर का बदला। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अदिति की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी। ऑफिस से आते वक्त उसने सोचा क्यों ना केमिस्ट की दुकान से दवाई ले ले। लेकिन आते वक्त उसने रास्ते में एक क्लिनिक देखा। सोचा केमिस्ट से अच्छा डॉक्टर से ही कंसल्ट कर लेती हूँ। उसने वहाँ अपनी स्कूटी खड़ा की और सीधे क्लिनिक की ओर चली गई। डॉक्टर ने कुछ सवाल पूछा और एक दिन की दवा देकर कहा अगर बात ना बने तो उसे कॉल कर ले। अदिति घर पहुंचने के बाद खाना वाना खाई और दवाई खाकर सोने चली गई। सुबह उठी तो तबीयत एकदम ठीक थी। इतना फ्रेश, इतना सुकून उसने अपने जीवन में कभी फील नहीं किया था। दवा ने अपना काम बखूबी निभाया। तैयार होकर अदिति ने सोचा एक बार डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उस नंबर मिलाया तो उधर से आवाज आई, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। यू आर नॉट डायलिंग अ वैलिड नंबर, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। अदिति ने दोबारा नंबर लगाया लेकिन फिर वही आवाज आई, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। यू आर नॉट डायलिंग अ वैलिड नंबर, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। इस बार अदिति ने डॉक्टर का दिया हुआ कार्ड निकालकर नंबर देखने लगी तो ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था, लेट डॉक्टर फन्ने घोष। अदिति ने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। वो ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले उसे उसका बॉयफ्रेंड सुजीत मिला। उसने उसे पूरी बात बताई। सुजीत तो उसका मजाक उड़ाया पर जब अदिति ने उसे कार्ड दिखाया तो थोड़ा सहमत हुआ। इस बीच अदिति को बॉस ने बुलाया तो सुजीत ने नंबर डायल किया। उससे भी वही आवाज सुनाई दी जो अदिति को सुनाई दे रही थी। सुजीत ने इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए इस बात को नजरअंदाज किया। रात को घर लौटते वक्त अदिति का फोन बजा। नंबर डॉक्टर घोष के क्लिनिक का था। अदिति के फोन उठाते ही उधर से डॉक्टर की आवाज आई, तुम्हारा मित्र हमको कॉल किया था, बीमार तो नहीं था लेकिन फोन किया तो विजिट तो करना पड़ेगा। और फिर फोन कट गया। अदिति ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया पर फिर से वही आवाज सुनाई दी जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं, वह नंबर वैध नहीं है। अदिति ने तुरंत सुजीत को फोन लगाया। सुजीत ने फोन उठाया और बोला, हाँ अदिति क्या हुआ? अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं दे रहा है, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। हेलो तो अगली सुबह अदिति को पता चला कि सुजीत की मौत हो चुकी है। सुजीत के फोन पर लास्ट कॉल अदिति का था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि सुजीत की तबीयत जानने के लिए उसने कॉल किया था। थोड़ी और पूछताछ के बाद पुलिस ने अदिति को जाने दिया। अदिति अगली सुबह ऑफिस पहुंची, देखा कि गौरव जो सुजीत का बचपन का दोस्त था वो बहुत उदास था। अदिति उसे संभाल ही रही थी कि उसका फोन बजा। उठाया तो उधर से आवाज आई, मैम किसी डॉक्टर घोष का फोन आया है, आप कहें तो फोन काट दूं। अदिति ने कहा, हाँ काट दो। उधर से आवाज आई, मारा दवाई ठीक नहीं था क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? अदिति ने अपने दांतों को पीसते हुए धीमी आवाज में बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब मैं आपको फोन करती हूँ तो आपका फोन नहीं लगता। डॉक्टर ने अदिति की बात सुनकर कहा, दूसरा नंबर है लिखो। अदिति के पास उस वक्त
कुछ न होने के कारण उसने गौरव को बोला, जरा नंबर लिख लो। तो हमने नंबर लिखा और डॉक्टर ने कहा, हे तुम्हारा दोस्त हमारा नंबर डायल कर दिया, अब तो विजिट करना पड़ेगा। इसके बाद कॉल कट गया। डरी हुई अदिति ने पूछा, गौरव तुमने नंबर डायल कर दिया क्या? गौरव ने कहा, हाँ डायल लिस्ट में है, लो नोट कर लो। नंबर को नोट करते ही अदिति के होश उड़ गए। यह वही डॉक्टर का पुराना नंबर है। वो सारा दिन बार बार गौरव को देखती रही। रात को घर पहुंचने पर काफी देर तक सोची और आखिर में रह नहीं पाई तो उसने गौरव को फोन मिलाया। तो उधर से आवाज आई, कॉल कर रही है, वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई लेटर। गौरव का फोन बजता रहा, बस बजता रहा। गौरव ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। अदिति ने कई दफा फोन किया। उसे लगा गौरव सो गया होगा। सुबह फोन बजने की आवाज से अदिति की नींद टूटी। उठाया तो पुलिस स्टेशन से फोन था। गौरव ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। पूछताछ के लिए अदिति को बुलाया गया। अदिति ने बताया कि गौरव के डिप्रेशन में होने का पता था, इसलिए वह उसे बार बार फोन कर रही थी। पुलिस ने कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से फॉर्मेलिटी कर अदिति को जाने दिया। अदिति पुलिस स्टेशन से बाहर निकल ही रही थी कि पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। अदिति समझ चुकी थी कि किसी से नंबर डायल करवाएगी तो क्या हो सकता है। अदिति एक दवा कंपनी में सेल्स मैनेजर थी और उसके दिमाग में चल रहा था, कई दिनों से उसके बॉस की तबीयत खराब है, अगर एक बार उसने डॉक्टर घोष को कॉल कर लिया तो अदिति को उसके बॉस की जगह लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसने अगले दिन अपने बॉस के केबिन में जाकर उन्हें कहा कि सर आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, यह लीजिए डॉक्टर पन्ने घोष का नंबर, इनकी दवा आपकी तबीयत सिर्फ एक रात में ठीक कर देगी, एक बार फोन जरूर कर लीजिएगा। अपनी सीट पर जाकर अदिति जोनल मैनेजर बनने का ख्वाब देखने लगी। कुछ घंटों के बाद उसका फोन बजा, उसके बॉस का कॉल था। उसने बताया कि अदिति तुमने तो बड़े कमाल के डॉक्टर का नंबर दिया था, क्योंकि उसने फोन पर ही सॉल्यूशन निकाल दिया था। डॉक्टर घोष ने उनसे कहा कि शायद आपको धूल से दिक्कत हो रही है, आप एक बार अपना कमरा बदल कर देखिए। और वाकई मात्र कुछ घंटों में ही बॉस काफी हद तक अच्छा महसूस कर रहे थे। अदिति बहुत गुस्सा पर मुस्कुराते हुए उसने फोन काट दिया और डॉक्टर का नंबर मिलाया। इस बार फोन की घंटी बजी और अदिति के कुछ बोलने से पहले ही उधर से डॉक्टर की आवाज आई, एक क्लिनिक हमारा है, यहाँ पर जो होगा हमारी मर्जी से होगा। अदिति ने इतना सुना और उस पर बरस पड़ी, चीखी चिल्लाई और गालियां दी। तुमने मेरे दोस्तों की तो तबीयत ठीक कर दी, अब की बार बॉस की तबीयत ठीक करनी थी तो तुम पलट गए, चाहते क्या हो तुम और उन दोनों को क्यों मारा तुमने? मेरे बॉस का इलाज नहीं करोगे? जाओ एक बार उनको भी विजिट करके आओ। जाओ ना, मुझे जोनल मैनेजर बनना है। और फिर तभी उधर से आवाज आई, बॉस से इस तरह की बात करते हैं बदतमीज, यू आर फायर फ्रॉम दिस जॉब। अदिति ने कॉल लॉग देखा तो पाया उसने कॉल अपने बॉस को ही लगाया था। उसने अपने बॉस को समझाने की सारी कोशिश की जो कारगर नहीं रही। अदिति ने भी गुस्से में सोचा, आज तो डॉक्टर से सब कुछ फाइनल कर ही लेगी। और इतना सोच निकल पड़ी क्लिनिक की ओर। पहुंचने पर देखा कि वहां कोई क्लिनिक नहीं था,
एक चाय की दुकान थी, तो उसने दुकानदार से क्लिनिक और डॉक्टर घोष के बारे में पूछा। दुकानदार ने बताया कि हाँ, एक क्लिनिक थी तो सही, पर वो डॉक्टर फर्जी था। एक मासूम बच्चे की उसके दवाई से मौत होने के बाद यहाँ के लोगों ने पीट पीट कर उसे मार दिया और क्लिनिक को तोड़ दिया था। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ। इसी सोच में आगे बढ़ ही रही थी कि एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर निकल गई। अदिति ने अपना होश संभाला, तब तक उसकी जिंदगी के 4 महीने बीत चुके थे। होश में आने के बाद उसने कुछ दिन वहां और बिताया, फिर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने पुराने नंबर को हटा के नए नंबर के साथ की। नए नंबर को ऑन करने के थोड़ी ही देर बाद एक फोन आया, उठाया तो सामने से आवाज आई, ए जी, इतने दिनों के बाद कैसे हो, विजिट करने आए क्या हम? इस बार अदिति ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम, चाहते क्या हो तुम मुझसे, क्यों ऐसे पीछा कर रहे हो मेरा? मुझे मारना है तो मार क्यों नहीं देते एक बार में? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अदिति के इतना बोलने के बाद सामने से आवाज आई, नंबर 2569R61 का दवाई तुम और तुम्हारा टीम ही हमको दिया था। हम फर्जी डॉक्टर नहीं था, तुम्हारा फर्जी दवाई ने हमको बना दिया। अदिति को अपने कैरियर की सबसे बड़ी गलती नजर आ रही थी, जब उसने अपने टीम मेंबर सुजीत और गौरव के साथ मिलकर सिर्फ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपने जूनियर के हाथों 10 दिन के अंदर में एक्सपायर होने वाली दवाइयों को मार्केट में सर्कुलेट करवा दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और शायद उसकी ही दवा से उस बच्चे की मौत हुई थी, जिसकी वजह से भीड़ ने डॉक्टर घोष को मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन अदिति की तबीयत बिगड़ गई, डॉक्टर को दिखाने पर हफ्ते भर का कोर्स दिया। दवाई लेने के साथ ही उसकी तबीयत पहले दिन ही और बढ़ गई। इतने उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर बोले, हम तुमको विजिट कर लिया है, अब तुम्हें तुम्हारा सारा प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाएगा। और उसके अगले ही दिन अदिति की मौत हो गई। अब डॉक्टर घोष को किसी को विजिट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।